तो आज हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग सा DIY इस बॉटल से। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है दीपशिका और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिलती रहे। एंड येस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने अभी नया इंस्टाग्राम बनाया है, सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अब ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर आप समझ गए हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझे तो लेट्स स्टार्ट विद मी। बेसिकली हम एक लाइट हाउस बनाने वाले हैं और इसका रूफ मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सारे एलिमेंट्स को कट करके पेस्ट करने वाले हैं। सो कट मैंने पहले ही कर लिया था सब कुछ, ताकि पेस्ट करने वक्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे। सो सारे खिड़की दरवाजे में एकदम सही से लगा दूंगी। और इसको बनाते बनाते मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक अच्छी सी आर्किटेक्ट हूँ, और मैं इसको अच्छे से कर भी रही थी एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको जोड़ने में। ये सारे जो मुझे ऐसे टाइप की चीज़ होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत आराम से बैठ लो और एक कप चाय ले लो और अपना सारा काम करते जाओ। हाँ, बीच बीच में मुझे रिकॉर्डिंग्स चेक करनी पड़ रही थी कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ये करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था। इनफैक्ट इतना टाइम लग गया था मुझे कि मुझे ये एक दिन में ये कंप्लीट नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि मैं आपसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं शूट करती हूँ तो मुझे कभी सही टेक नहीं आते हैं या फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, जो मैं चाहती हूँ वैसे नहीं आते, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है उसको रिकॉर्ड करने में और रीशूट करने में। मूविंग ऑन, अब मैं ग्लास कलर्स ले लूँगी एंड उसको मैं फिल कर दूँगी इसमें। मैंने ग्लास कलर्स ऑप्शनल लिया है, अगर आपके पास ग्लास कलर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस पर ग्लास कलर करने की। ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगने वाला है, क्योंकि इसके जो वो मिरर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो आप उस पर बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये अच्छा नहीं लगेगा। खिड़की दरवाजे में भी ऐसे ही मिरर्स होते हैं। हाँ, ये बॉटल वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, सो आप बिल्कुल देख सकते हो मैंने ये ऑप्शनल किया है। और आप डिटेलिंग करते हो किसी भी चीज़ में तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ये ऑलमोस्ट, एंड आप थोड़ी सी डिटेलिंग पे ध्यान दोगे तो वो अच्छा लगेगा। और एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो होने वाला है ये पेपर स्ट्रो चिपकाना, और ये बहुत मुश्किल है। एंड मैं कट कर करके कर रही थी इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा था। आप बिल्कुल आराम से इसको लंबे से ही इसको अच्छे से प्लेस कर लो, उसके बाद इसको फिर जब ये अच्छे से चिपक जाएंगे तो आप इसको कट कर सकते हो बिल्कुल इक्वल। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और रात हो गई थी, एंड फिर अगले दिन मैं बिल्कुल 1 बजे वेट करती हूँ इस टाइम का, क्योंकि इस टाइम पे मेरे घर में ये जो लाइट है, यानी ये जो मेरा सेटअप है वहाँ पे परफेक्ट लाइट आती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है लाइटिंग के लिए, एंड उसके लिए आप एक लाइक कर सकते हो। मूविंग ऑन, अब हम लोग इसके रूफ़ को कलर कर लेंगे। एंड मैंने ग्रे कलर का यूज़ किया है, ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके ये कलर मैंने बनाया था। और मैं इसके ऊपर नीचे सारे रूफ़ को कलर कर लूँगी, और फिर ये नीचे में मैंने थोड़ा सा इस ग्रे कलर के लिए ही जगह छोड़ के रखी थी, वो जो कार्डबोर्ड मैंने चिपकाया था मैं उसको भी पेंट कर लूँगी। फिर ये ब्रिक्स के बीच में जो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा था, मैंने ये इसको भी कलर कर लिया। ये ऐसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर मैं सारे ब्रिक्स को वाइट कलर से ही पेंट कर लूँगी, एज़ आप देख सकते हो वाइट ही है ये। और उसके ऊपर मैंने एक हल्का सा कोट किया है, ज़्यादा पेंट नहीं लगाया इस पर, बट ये हो गया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन बातों बातों में हम लास्ट स्टेज पे पहुँच के मैं पता भी नहीं चला। अब मैं सारे खिड़की दरवाज़ों को पेंट कर लूँगी वुड कलर से। एंड आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।